तो गाइस यार अभी मैं और टीवी में जा रहे हैं यार अवेंजर्स के घर पर। उन्होंने हमें बुलाया, पता रहे हैं यार कोई खतरनाक वाली फ्रूट पार्टी करने वाले, और पता नहीं कौन सी फ्रूट पार्टी करने वाले। अरे समेत बहुत मजा आने वाला है। हाँ मजा तो बहुत आएगा यार, काफी दिनों से मैंने भी फ्रूट्स नहीं खाए। अरे मैं तो नींबू निचोड़ कर खाऊंगा। अरे मेरे लिए तो नींबू निचोड़ कर खा या मेरे लिए उसमें प्याज काट के खा। अरे फ्रूट्स में कौन प्याज खाता है, वो तो वेजिटेबल है ना। अरे यार वेजिटेबल नहीं है वो फ्रूट होता है। अरे बकवास मत करो। अबे नहीं यार, वो हर चीज के साथ काम आता है, जैसे फ्रूट काम आता है। अरे यार वेजिटेबल है वो, तुम बहस मत करो मेरे साथ, तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है। हाँ तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है ना। अरे हम लोग आ गए, देखो बहस करते करते। अरे वाव, अरे ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रहा है भूतनी का। ओए अवेंजर्स, ये क्या है, अबे तुम लोगों ने ये क्या कर रखे। अबे ओए टॉयलेट मॉन्स्टर, तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं तुझे छेड़ूंगा नहीं। ओए तेरी ऐसी ये ले, अभी बताता हूँ है स्किप्ड टॉयलेट्स। ओ मैं मत मारो, तुम लोगों को मारूंगा मैं। ए समेत रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। अबे इनको मारो यार। अबे रुको, तुम्हारी ऐसी ये लो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अबे टोनी तू ये क्या कर रहा है, तू मुझे मार रहा है स्किप्ड टॉयलेट्स के ऊपर। अरे समित ये आज से हमारे दोस्त हो गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये दुश्मन है यार। यहाँ पर हमारा कैमरामैन टीवीमैन दोनों मिलके इतनी ज्यादा फाइट करते हैं इन स्किप्ड टॉयलेट्स से, और तुम यहाँ पर इनको अपने घर में घुसा रहे हो, दोस्त बना रहे हो। अरे समित बात सुनो, हमारी स्किप्ड टॉयलेट्स ये चाहते है कि जो हमारे बीच में लड़ाई है वो खत्म हो जाए। हम यही चाहते है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। ये लोग हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। अरे मेरे को कोई हाथ वात नहीं मिलाना किसी के साथ। तुम्हें नहीं मिलाना तो मत मिलाओ तुम इनसे हाथ, ठीक है, हम तो इनके दोस्त बनने जा रहे हैं। ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। अरे हाँ सही बोल रहे हैं टीवी मैन, ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये बिल्कुल विश्वास करने के लायक नहीं है। टोनी तुम हम पे विश्वास कर सकते हो। हाँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर कर ही रहा हूँ विश्वास, क्योंकि तुम हमारे लिए इतने सारे फ्रूट्स जो लाए हो। अरे हाँ ये तो हमारा दोस्ती का तोहफा है, कहते ना दोस्त के घर खाली हाथ नहीं जाते। ओए वेनमिन का दोस्त है। आई लव, मैं भी इनका दोस्त हूँ। हल्क तो इनका पहले से ही दोस्त है। हैं ये कब हुआ। हल्क इनका अच्छा दोस्त है, जैसा कि तुमने सुन ही लिया होगा। सुमित और टीवी मैन, अगर तुम इन लोगों का दोस्त नहीं बनना है तो तुम मत बनो, पर यहाँ पर सारे अवेंजर्स इन लोगों के दोस्त बन चुके हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस पे विश्वास मत करो यार प्लीज। हाँ इस पे विश्वास मत करो। अरे समित मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अबे मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, मैं स्किप्ड टॉयलेट्स के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। हमारे ऊपर विश्वास तो करके देखो, हम दोस्ती के लायक है। हाँ ये लोग दोस्त बनने के लायक है, तुम लोगों को नहीं बनना तो जाओ यहाँ से। अवेंजर्स हमारे दोस्त, तुम लोग बैठो ना, चलो सोफा निकाल के लाओ और हमारे दोस्तों को फ्रूट्स खिलाओ। आई लव हाँ फ्रूट्स। ओए फ्रूट्स खाएंगे। हल्क को भी फ्रूट्स चाहिए। हाँ अभी निकाल के देते हैं तुम्हें फ्रूट्स। अवेंजर्स अवेंजर्स तुम लोग पागल हो गए हो, इनकी बातों में मत आओ। यार देख रहे हो यहाँ पर भाई हल्क के लिए स्पेशली काट के दिए इन लोगों ने यार फ्रूट्स, और यहाँ पर भाई ये देखो कैसे दादा की तरह बैठा है यार फ्रूट्स लेके। प्लीज अवेंजर्स इन फ्रूट्स को मत खाना। ओए मैं तो खाऊंगा, तुझे ना खाना तो जा यहाँ से। अरे समेत हमें बचाना होगा। अरे ये साइलेंस कैसा, अरे ये क्या, अबे ओए सारे अवेंजर्स स्किप्ड टॉयलेट के अंदर चेंज हो गए। मैंने बोला था इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्किप्डी तुम हमारी चाल में नहीं फंसे, क्योंकि मैं तुम जैसों को जानता हूँ, तुम लोग कितने ज्यादा गंदे हो, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये कौन हमारे ऊपर हमला कर रहा है। सुमित ये कौन हमला कर रहा है भाई। पता नहीं यार कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ओह नो, ओह शिट, ओह गाइस यार ये तो बहुत बुरी तरह हमला कर रहा है हमारे ऊपर। ये हमारा मास्टर प्लान, क्योंकि हमें पता था कि तुम हमारे ऊपर यकीन नहीं करोगे, इसलिए हमने तुम्हें अपने रास्ते से ही हटा दिया। चलो टीवी मैन अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेकार टीवी बना दूंगा। सबसे पहले समित को फेंकते हैं, जा यहाँ से समित के बच्चे। अब टीवी मैन को यहाँ से लेके चलते हैं और टीवी मैन को एक सबसे घटिया टीवी बना देते हैं, जिससे ये हमें कभी भी ना हरा सके। और सारे अवेंजर्स भी हमारे साथ हो गए। इसे कहते हैं स्किबिडी किबिडी स्किबिडी स्किबिडी। स्केबिडी, देखो टीवी मैन कैसे बेकार टीवी बन गया है। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो मेरी सारी पावर्स मुझसे
छीन ली और मुझे एक बेकार सा टीवी बना दिया। अब मैं इन लोगों को कैसे हराऊंगा? अगर इन लोगों ने मुझसे मेरी पावर से छीन ली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा स्केबडी टॉयलेट्स। स्केबडी स्केबडी स्केबडी, तुम हमें क्या हराओगे, पहले खुद को तो बचा लो। स्केबडी स्केबडी का राज होगा, अब कोई हमें नहीं रोक सकता, टीवी मैन को हमने एक छोटा सा बच्चा बना दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं ताकतवर होकर वापिस आऊंगा। स्केबडी स्केबडी, तुम्हें कौन ताकतवर बनाएगा, जाओ यहाँ से घटिया टीवी मैन। अगर मुझे लॉस सैंटोस को बचाना है तो मुझे सुमित का पता लगाना होगा। सुमित मदद करो मेरी। ओ गाइस यार, भाई बेहोश हो गया था, पता नहीं कहाँ फेंक के मारो। छी, इतना ज्यादा कचरा। अबे मैं कहाँ पर आ गया ये? अबे ये कौन सी जगह है यार, मैं आज तक यहाँ पर नहीं आया। ये कौन सी खाई में गिर गया यार मैं आके। अबे एक सेकेंड, ऊपर तो शायद वो नेशनल हाईवे है। हाँ, और ये कौन सी जगह है यार? भाई उस स्क्रिप्टेड टॉयलेट ने देखो, मैं उसके ऊपर यकीन नहीं किया था, और भाई सही में वो यकीन करने के लायक भी नहीं था। उसने असल में सभी के सभी एवेंजर्स को स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स बना दिया। और बता, वो गाइस यार देखो, वो रहा एवेंजर्स का घर। मतलब उसने मेरे को यहाँ इतनी दूर फेंक के मारा है, और यार सारे एवेंजर्स को उसने टॉयलेट बना दिया। और एक सेकेंड, टीवी मैन कहाँ पर है? ओ गाइस यार, टीवी मैन को वहां पर मैं अकेला छोड़ आया था। मैं क्या अकेला छोड़ आया था, पर यार वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो गई। ओए एक सेकंड, ये क्या आ रहा है आगे से? ओए ये क्या है? ओए भागो, ओए ये क्या चीज है यार? अबे मेरे पास मत आ, अबे तू जाने यहां से। अरे समित, ये मैं हूँ। कौन मैं हूँ? अरे मैं हूँ टीवी मैन। अबे ये क्या हो गया टीवी मैन तेरे साथ? अरे समित, स्केबडी टॉयलेट्स ने मुझसे मेरी सारी ताकतें छीन ली और मुझे ये बेकार सा घटिया टीवी बना दिया, सबसे कमजोर वाला। ओ गाइस, ये क्या हो गया यार? हमारा एक सुपर हीरो जो टीवी मैन था, स्केबडी टॉयलेट्स को हरा सकता था, उसको उन्होंने एक छोटा सा टीवी बना दिया। अब टीवी मैन, अब क्या प्लान? अब हम लोग उन्हें कैसे हराएंगे, स्केबडी टॉयलेट्स को? अरे समित, मेरे अंदर ताकत नहीं है, पर तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे को अपने अंदर डाल सकते हो। क्या? अच्छी, क्या बोल रहे तू? मतलब हम दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद तुम मुझे अपग्रेड करना, जिससे तुम भी अपग्रेड होगे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ओम बैम। ओ गाइस, ये क्या देख रहे हो? मेरे सिर के ऊपर टीवी मैन आ चुका है। अरे समित, अब तुम चमत्कार करना, ठीक है? तो गाइस यार, मैं चमत्कार क्या, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो गाइस यार, अब मुझे अपग्रेड होना है एक खतरनाक टीवी मैन के अंदर। तो गाइस यार, उसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो चलो गाइस यार, चलते हैं जल्दी से, मैं तुम्हें वो चीजें दिखाता हूँ जिससे मैं अपग्रेड होने वाला हूँ एक खतरनाक टीवी मैन के अंदर। लेट्स गो गाइस, स्केबडी टॉयलेट्स, तुम लोग दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम लोगों ने दोस्ती के ऊपर जहर घोल दिया और सभी एवेंजर्स को टॉयलेट बना दिया। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो गाइस यार, अभी तुम्हारा भाई आ चुका है शहर के अंदर, और गाइस मुझे ये कंफ्यूजन है कि कहीं पर टॉयलेट मॉन्स्टर है ना, उन्होंने शहर के ऊपर हमला तो नहीं करते, कहीं वो मेरे को यहाँ पर ढूंढ ले, या पता नहीं यार क्या होने वाला है। तो गाइस यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, खुले में जाना चाहिए? पर गाइस, अगर मैं खुले में नहीं जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला है आखिर यार टॉयलेट मॉन्स्टर के प्लान क्या है, क्या उनके मार्गदर्शन, वो क्या करने वाले हैं। तो गाइस यार, अभी तुम्हारा भाई ओपन के अंदर आ चुका है, और गाइस यार अभी तक तो कोई भी इंसान को उन्होंने स्केबडी टॉयलेट नहीं बनाया है। ओके यार, यहाँ पर तो कुछ दिख तो नहीं। ओए ये क्या? अबे भाई साहब, ओए फिर से किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अबे ये कौन है जो मेरे ऊपर हमला कर रहा है? ओ इसकी ऐसी। ओ गाइस यार, ये तो मासूम इंसानों को मार रहा है, मुझे कहीं पर छुपना होगा जाकर। गाइस यार एक सेकंड, मैं यहाँ पर छुप चुका हूँ इस ट्रक के पीछे, पर गाइस यार मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, ऊपर से कोई मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि है कौन वो। एक सेकंड गाइस यार, वहां पर क्रेन के ऊपर देखो, वहां क्रेन के ऊपर कोई बंदा खड़ा है। रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ, छुप के यहाँ से रुको, एक बार दिखाता हूँ। देखो यार, वहां पर उस क्रेन के ऊपर कोई ना कोई बंदा तो है। एक सेकंड जूम करके देखते हो। अबे ये तो स्नाइपर टॉयलेट है। अबे इसकी ऐसी, ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है जब से, अब इसको बताता हूं यार, जूम करके इसको मारूंगा। ये ले गाइस यार, असल में इसने हमारे ऊपर वहां हमला किया था एवेंजर्स के घर पर, इसकी वजह से यार स्केबडी टॉयलेट जीत गए थे। गाइस यार, ये इनका असल में कोई नया प्लेयर है यार, मैंने कभी भी ऐसा स्केबडी टॉयलेट नहीं देखा जो बंदूक चला सकता हो, स्नाइपर चला सकता हो। पर गाइस यार, ये तो सही में कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर तुम्हारे भाई ने इसको हरा दिया। भाई यार, इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं दूर से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो गाइस यार, ये था उन स्केबडी टॉयलेट्स का मास्टर प्लान, जिसको मैंने चकनाचूर कर दिया। अब गाइस, अगर मेरे ऊपर कोई दूर से हमला करे तो समझो वो और कोई नहीं होगा, वो असल में स्नाइपर स्केबडी टॉयलेट होगा, उसको हमें ढूंढ कर मारना होगा, वरना वो हमारी वाट लगा देगा। तो गाइस यार, अभी तुम्हारा भाई आ चुका है एक सुनसान सी जगह पर, और गाइस अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर एक चीज, जिसे मैं अगर ले लूँ तो मैं अपग्रेड हो सकता हूँ।
गाइस यार सामने देख रहे हो आप लोग, एक सेकंड छुप के दिखाता हूँ। देखो वहाँ पर कुछ खंबे से टाइप में है ना। अभी रुको यार, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या चल रहा है। देखो यार वो है असल में स्पीकर मैन है। अगर गाइस यार उसको मैं अपने साथ ले लूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा असीम शक्ति आ जाएगी। पर गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, देखो यार हल्क रहा वहाँ पर। ओ गाइस यार इन्होंने हल्क को ये क्या बना दिया है। गाइस यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स है जो असल में पहरा दे रहे हैं असल में स्पीकर मैन का। मुझे कैसे करके स्पीकर मैन को वहां से छुड़ाना होगा। उससे पहले एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई और दूसरे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स तो नहीं है ना। एक काम करो गाइस, यहाँ पर एक क्रेन है और यहाँ पर मेरे को लगता है स्नाइपर स्क्रिप्टेड टॉयलेट तो जरूर होगा। देखो गाइस बोरा वहां से देखो निगरानी रख रहा है। अगर मैं यहाँ से भी डायरेक्ट हमला कर दूंगा तो भाई ये स्नाइपर टॉयलेट मेरे ऊपर हमला करेगा और गाइस यार मैं फिर से हार जाऊंगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बार मैं हारूं, तो सबसे पहले मुझे स्नाइपर टॉयलेट को ठिकाने लगाना होगा। अभी आता हूं इसकी बैंड बजाने। तो गाइस यार यहां से पीछे की तरफ से घूम के आज का है तुम्हारा भाई और डायरेक्ट अब आ रहा हूं मैं क्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए। अब इसकी ऐसी तैसी इसके पीछे से जाऊंगा चुपचाप और सबसे पहले मेरे को हराना है स्नाइपर स्क्रिप्टेड टॉयलेट को, वरना यार ये मेरे प्लान के ऊपर पानी फेर देगा और मैं नहीं चाहता कि मैं हारूं यहां पर। तो हम लोग यहां पर टॉप के ऊपर आ चुके और वो रहा स्क्रिप्टेड स्नाइपर। ओ माय गॉड कैसे यार स्नाइपर लगा के बैठा है, अभी बताता हूं इसको। ए ये ले गाइस यार काट डाले इसको। अबे नीचे गिर गया ये तो। अबे यार अच्छा मजा आ गया उन लोगों के ऊपर नहीं गिरा। ओ गाइस यार मेरे पास एक और खतरनाक वाला प्लान है। मैं इन लोगों से डायरेक्ट फाइट क्यों करता हूं, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन वाला प्लान है। ये असल में क्रेन उन्होंने यूज की थी इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, इनके ऊपर नहीं मतलब इनकी सुरक्षा करने के लिए। अब मैं इसी क्रेन का यूज इनके ऊपर करने वाला हूं। यहां से मैं बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स नीचे गिरा देता हूं। हां यार ये एकदम बढ़िया प्लान होने वाला है। यहां पर मैं इनके ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब गिरा देता हूं सारे सारे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स के ऊपर और उनके बाद इनकी बैंड बजने वाली बहुत खतरनाक वाली। यार मेरे को तो सोच की मजा आ रहा है इनके साथ क्या होने वाला है। गाइस क्या कर रहे हो आप लोग, चल इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप लोग मेरे साथ हो इन स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को हराने के लिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो टीवी मैन ओपी, हम सब मिलकर इन स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को हरा सकते हैं। गाइस यार एक सेकंड, ओए रुको यार वहां पर एक चीज खड़ी है, एक सेकंड दिखाता हूं तुम्हें जाके चलनी सी। सबसे पहले तो मुझे यहां से कूदना होगा। ओ गाइस यार यहां से मेरा पैराशूट खुल तो जाएगा ना। देखो यार सामने वहां पर एक बहुत ही खतरनाक वाला व्हीकल खड़ा है कंस्ट्रक्शन वाला। देखो यार इस चीज के बारे में बात कर रहा था इन लोगों ने, देखा ना। देखो यार इसके सामने क्या खतरनाक वाले पैने ब्लेड्स लग रहे हैं। अब भाई इस चीज का यूज करके मैं सारे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को काट डालूंगा। भाई ये व्हीकल सेमी बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये असल में गहराई में खोदने के काम आता है, जैसे गुफा खोदनी हो ट्रेन टनल्स खोदनी हो उस चीज में ये चीज काम आती है। अब मैं इस चीज का यूज करके इन सारे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को काट डालूंगा। स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स येलो ब्रूम बैम बूम बैम बूम। ओह गाइस यार फट गया भाई सब कुछ, सारे स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स मारे गए। पता नहीं यार जिंदा या मर गए, लगता है बेहोश हो गए होंगे। और बस यार ये हल्क वाले स्क्रिप्टेड टॉयलेट जिंदा हो गए तो ये मेरी बैंड बजा सकते हैं, ये भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चलो गाइस यार जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ वो काम करता हूँ। ओए स्पीकर मैन अंदर आ गया मैं भी। स्पीकर मैन तुम कौन हो, तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? अबे स्पीकर मैन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी मदद, तुम मेरे दुश्मन हो। नहीं मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं हूँ असल में टीवी मैन और मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। तुम्हें असल में इन स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स ने बंदी बना लिया था, ये नहीं चाहते कि तुम यहाँ से भागो, पर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बचाऊंगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? मेरा और तेरा लक्ष्य एक है, हम यहाँ सारे के सारे खतरनाक वाले स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को मारना चाहते हैं। मेरा भी वही लक्ष्य है, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम मारेंगे मिलकर साथ उनको। ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लेट्स गो गाइस गो। ओके तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई आ चुका है दूसरी चीज लेने के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे अपग्रेड करने के लिए, वो है असल में एक स्किप्ड टॉयलेट। हाँ गाइस जैसा आपने सही सुना होगा यहाँ पर एक खतरनाक वाला सुपर पावरफुल स्किप्ड टॉयलेट है। ये असल में बाकी स्किप्ड टॉयलेट से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए डर की मारी बाकी स्किप्ड टॉयलेट ने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है। और गाइस अब मैं इसको यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, पर प्रॉब्लम असल में ये है कि ये असल में इन सभी स्पीकर के बीच में, ये स्पीकर वॉल बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये इसके बीच में छुपा बैठा है, छुपा नहीं एक तरीके से बंद है। अगर मैं इन सभी के सभी वॉल्स को तोड़ के इसको बाहर निकाल लूं और इसको और हमारे स्पीकर मैन को मिक्स करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत आने वाली है कि मैं यार स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स का नामो निशान मिटा सकता हूं। तो हियर इज गाइस प्रॉब्लम ये है यार कि यहाँ पर इसको तोड़ना होगा और मुझे नहीं लगता कि यार मैं इसको तोड़ पाऊंगा। अबे यार क्या है बार बार ऊपर नीचे। तो चलो यार ट्राई करते हैं इसको तोड़ने का। अरे यार ये तो टूट ही नहीं रहा यार, मैं ऐसा सोच ही रहा था ये जो स्पीकर्स हैं ये सभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये ऐसे नहीं टूटने वाले। देख रहा हूं मैं कितनी सारी मिसाइल्स मार रहा हूं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर।
तो गाइस यार मिसाइल का तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो यार यहाँ पर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये स्टिकी बॉम्ब्स, देखते क्या मैं स्टिकी बॉम्ब्स से इसको उड़ा सकता हूँ या नहीं उड़ा सकता। भाई चारों तरफ लगा देता हूँ जल्दी से। ओके तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए, बूम बैम बेबी। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ा यार, एक क्रोच भी नहीं आई है यार। इसको मैं बाहर निकालू तो निकालू कैसे यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं यार, मैं क्या करूं, किसकी हेल्प करूं। काश मेरे पास आरी होती इसको काटने की। ओ काश यार, एक सेकंड, मुझे पता है मेरी हेल्प कौन कर सकता है, आरी। ओ यार एक काम करता हूं ना, मैं कटाना मैन को बुलाता हूं ना, हां ये एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो गाइस यार मैं कटाना मैन को जल्दी से फोन मिलाता हूं। हेलो कटाना मैन, जल्दी से यहां पर स्टेडियम में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प है, जल्दी आ जाओ, पैसे भी दूंगा 5 लाख रुपए, जल्दी आ जाओ यहां पर बहुत जरूरत है तुम्हारी। यार अब कटाना मैन आता होगा किसी वक्त, कट 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 कट, काट डालूंगा, किसे काटना है, किसे काटना है, समित तुम्हें काटना है, नहीं 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 मुझे नहीं काटने, बता देते किसे काटना, काट डालेगा। रुक रुक आराम से सुन, यहाँ पर इस साइड में देख एक वॉल दिख रही तेरे को, कहाँ है, काट डालेगा। रुक जा यार इजी, मुझे पता है तू काटने के लिए पैदा हुआ है। सुन तेरे साइड में जो स्पीकर की वॉल है इसे तुझे काटने है। अरे इसको तो अपुन ऐसे उड़ा देगा जैसे तिल्ली हो, रुको 2 मिनट, काट डालेगा। पागल ये जैमी गाइस यार, कटाना मैन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर गाइस यार यहाँ पर इसने मेरे लिए गेट खोल दिया है। तो फाइनली गाइस यार यहाँ पर हमें मिल चुका है 5-हेडेड स्केविडी मैन, और गाइस यार मैन नहीं टॉयलेट है असल में ये, तो गाइस यार ये मेरी बात मानने वाला है क्योंकि यार मैंने इसको आजाद किया है। तो यार इसका यूज करके और स्पीकर मैन को यूज करके दोनों को मिक्स करके मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक टीवी मैन। तो लेट्स गो गाइस, इसको यहाँ से लेके चलता हूँ जल्दी से, आ जा। तो गाइस यार जिस चीज का था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई, तो गाइस यार यहाँ पर है स्पीकर मैन और साथ में यहाँ पर ये 5-हेडेड स्केविडी टॉयलेट। अब इन दोनों को मिक्स करके मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक वेपन जो होने वाला है एक्सट्रीम मेका टीवी मैन। तो चलो गाइस यार अब किस चीज का राज देख रहा हूँ मैं, लेट्स गो बूम। फाइनल गाइस यार देखो मैं चेंज हो चुका हूँ अल्टीमेट टीवी मैन के अंदर। गाइस यार ये वाला टीवी मैन सभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और गाइस यार मेरे पास एक असल में ऐसी पावर भी अनलॉक होने वाली है, वो भी अनलॉक हुई नहीं है, जिससे यार मैं किसी भी स्केविडी टॉयलेट को वापस नॉर्मल बना सकता हूँ। तो गाइस यार उस पावर को भी हासिल करना होगा, तो चलो गाइस यार चलते अवेंजर्स के घर पर अवेंजर्स को वापस नॉर्मल करने के लिए और स्केविडी टॉयलेट को हराने के लिए। तो गाइस यार वो सब करेंगे हम नेक्स्ट गेम प्ले में। अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर देना पार्ट 2। और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के आए तो यहां से सब्सक्राइब कर देना, और गाइस यार मैं मिलूंगा इससे कोई नई गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull up the